आज हम बनाने वाले 34 की कटोरी, 34 इंच की कटोरी। चेस्ट अगर 34 रहेगा, 34 इंच रहेगा चेस्ट, तो उसमें 6 इंच बढ़ाने का कटिंग के लिए। 40, 40 का चौथा भाग 10, 10 का घड़ी लेने का। पहले जो भी कटोरी निकालेंगे उसमें 1.5 इंच इधर पहले छोड़ने का। 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ लेने का 10 की घड़ी। उसके बाद 10 की घड़ी में इधर शोल्डर कितना आता है देखने का, शोल्डर कितना आता है 1.25। कटोरी निकालने के लिए 1.25 लेने का, कपड़े में कटिंग करने का टाइम 5.5 रखने का। तो अभी शोल्डर कटोरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ लेने का 1.25, 6 को थोड़ा सा कम, 1.5 इंच कम। उसके बाद गला फिट लेने का 2.5 इंच। इधर 10 के घड़ी का जो माप पे लिखा है यही माप पूरा लेने का। बगल लंबाई लेने का यहाँ से 5.5 इंच। यहाँ से यहाँ रेश मारने का इसको, ये लेने का 10 और 1.5 साढ़े 11, मतलब 10 की कटोरी रहेगा तो उसमें 1.5 इंच बढ़ा के रखने का। उसके बाद आगे का गला लंबाई लेने का 6 इंच, आगे का गला लेने का 6 इंच, और यहाँ से यहाँ गला फिट लेने का 2.5 इंच। फिर इसको आगे का गले को ऐसे शेप देने का, और आगे का बगल स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए 1 इंच पे शेप देने का इसको। यहाँ से यहाँ 1 इंच लेने का, 1 इंच पे से 2.5 इंच लेने का। गले के यहाँ से कंपलसरी 5 इंच, जो भी कटोरी निकालेंगे उसके लिए गले के यहाँ से 5 लेने का। बगल गोल के यहाँ से 2.5 इंच लेने का। उसके बाद यहाँ से कटोरी का माप लेने का, कटोरी का माप 10 की घड़ी में 11 और 13 आएगा। ये जो लिखा है ना कटोरी, इसमें 10 की घड़ी में 11 और 13 आएगा। तो 11 यहाँ से गला फिट के यहाँ से 11 लेने का, और बीच में से लेने का ऐसे सेंटर से लेने का 13 इंच। 11 और 13 लेके इसको ऐसे शेप देने का। फिर यहाँ से यहाँ लेने का 4 इंच कटोरी निकालने के लिए, कपड़े में घड़ी का आधा लेने का। उसके बाद इसको 5 इंच में से 2.5 मिलाने का, 2.5 में से 4 मिलाने का। यहाँ से यहाँ 4 इंच रखने का। यहाँ से सब कटोरी बनाने के लिए यहाँ से 2.5 लेने का, ये जो बगल गोल रहता है यहाँ से यहाँ 2.5 लेने का। गले के यहाँ से 5 इंच लेने का। गला लिया हमने 6 इंच, और यहाँ से यहाँ पहले 1.5 इंच छोड़ के हमने 10 की घड़ी लिया। ये 10 की कटोरी है, 34 छाती रहेगा, 34 इंच का चेस्ट रहेगा, तो उसमें 6 इंच बढ़ाने का। 40 का चौथा भाग 10, तो 10 का घड़ी लिया हमने। और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से शोल्डर लिया 1.25, गला फिट लिया 2.5 इंच, आगे का गला लिया 6, और यहाँ से आ लिया 11, यहाँ से आ लिया 13, फिर इसको शेप दिया 11 और 13 लेके शेप दिया। उसके बाद यहाँ से लिया 4 इंच, यहाँ से लिया 2.5 इंच, यहाँ से लिया 5 इंच, 5 में से 2.5 में लेके आया, 2.5 में से 4 में लेके आया, फिर इसको शेप दिया। उसके बाद ये जो 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया था वो उसमें से यहाँ से ऐसा क्रॉस मारने का, ये वेस्ट है, ये सिर्फ इधर हमको बढ़ना चाहिए कटोरी में। उसके बाद ये कटोरी का सेंटर लेने का, कटोरी कितना है 8 इंच, 8 का आधा 4, 4 इंच लेके नीचे को ऐसा 1 इंच लेने का, 1 इंच लेके इसको ऐसा क्रॉस मार्किंग करने का। यहाँ से हमने लिया 1 इंच, इधर ये कटोरी जितना रहेगा उसका आधा लेके 1 इंच नीचे लेने का, और इसको शेप देने का। और आगे का गला अगर हमको बड़ा चाहिए तो थोड़ा ऐसा 1/2 इंच कट करने का। अभी हम इसको कट करेंगे। ये जो हमने मार्किंग किया इसमें से ही कटिंग करने का, ऊपर वाला जो शेप है ये शेप है इसमें नहीं कटिंग करना है, ये नीचे वाला जो शेप है उसमें कटिंग करना है। फिर अभी हम लोग इसको
गले को ऐसा काट देंगे, इधर भी ऐसा कट कर लेंगे। इसके बाद ये कटोरी का जो शेप हमने दिया इसको भी कट कर लेंगे। ये सब वेस्ट है, ये सब फेंक देने का, खाली ये कटोरी लगेगा हमको। बाकी का माप मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे साइड पीस निकालना है, उस हिसाब से साइड पीस निकालने का। अभी ये हो गया छाती, 34 इंच का कटोरी, 34 इंच का कटोरी। 34 में हमने कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया, फिर उसका चौथा भाग करके गड़ी डाला। इसमें टक्स मारने का, इसको ऐसे सेंटर पकड़ने का, सेंटर पकड़ के इसको बराबर ऐसे दबा के यहाँ से सेंटर पकड़ के यहाँ से यहाँ लेने का 1.25 इंच, और यहाँ से इसको क्रॉस करने का ऐसा 1.75 इंच, 3 को थोड़ा सा कम। तो यहाँ से हमने 1.25 लिया और यहाँ से यहाँ 1.75 लिया, ऐसे टक्स मारने का इसको। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।